वेलकम मचा रखा है जिसने उस अपॉर्चुनिटी का नाम है दोस्तों फ्यूचर नेट क्लब। फ्यूचर नेट क्लब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप जुड़कर अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। फ्यूचर नेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर नेट से आप कैसे जुड़ें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइज़ करते हुए यहाँ से कैसे अर्निंग ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों फ्यूचर नेट क्या है? फ्यूचर नेट को 2012 में क्रिएट किया गया था रोमन जीमैन एंड स्टीफन मॉर्गनस्टन के द्वारा। जो भी मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो ऑफिस है वो हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके जो रीजनल ऑफिस है वो यूरोप और एशिया में है। टोटल इसके 150 से ज़्यादा इसका फुल टाइम सपोर्ट स्टाफ है, 150 से ज़्यादा इसके जो स्टाफ में है उसके स्टाफ में डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं। और फ्यूचरनेट कम्युनिटी 3 मिलियन लोग हैं इसके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इसका जो टर्नओवर है वो 600 बिलियन क्रॉस कर चुका है, 600 बिलियन इसका टर्नओवर क्रॉस कर चुका है और वर्ल्ड का नंबर 2 पे अलेक्जा रैंकिंग में ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। दोस्तों फ्यूचरनेट का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसमें क्या है कि सबसे पहले तो फ्यूचरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक। फेसबुक में आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, फेसबुक जितनी भी अर्निंग करता है वो एडवर्टाइजमेंट गेम्स यूट्यूब के माध्यम से करता है और उसकी अर्निंग का शेयर अपने यूजर्स में कभी नहीं शेयर करता है, ठीक है। तो इस तरह फ्यूचरनेट क्लब के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ेंगे तो वहाँ से आपको अर्निंग जो भी होगी कंपनी आप में शेयर करेगी। और इसके साइबर कैफे का है, रेस्टोरेंट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, शॉपिंग है फ्यूचरनेट्स क्लब की, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करती हैं। ऑनलाइन ऑफ में और ऑफलाइन, ऑफलाइन में साइबर कैफे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है और इसके रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, टिकट्स हैं, फ्लाइट्स हैं, होटल्स हैं, हर जगह हैं और इसके प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफलाइन के माध्यम से काम करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसके एड प्रो का, फ्यूचरनेट मैट्रिक्स का और काफ़ी प्लेटफॉर्म है वो काम करते हैं। ये जैसा कि हमने बताया फ्यूचरनेट मीडिया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फ्यूचरनेट मीडिया में फेसबुक की तरह जैसा कि आप देख रहे हैं जस्ट लाइक फेसबुक, आप यहाँ पर लाइक, चैट, कॉमेंट, अपलोड, अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक में आपको लिमिटेड संख्या दी हुई होती है कि 5,000 से ज़्यादा लोग आप ज्वाइन नहीं कर सकते, यहाँ से आप अनलिमिटेड लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, फ्यूचरनेट का स्टोर है खुद का, शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, फ्यूचरनेट का एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है और डिजिटल प्रोडक्ट है इसके। ये जो काफ़ी चीज़ आप देख रहे हैं बैक ऑफिस वगैरह, जब आप रजिस्टर करेंगे तो फ्यूचरनेट सोशल मीडिया के अंदर आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचरनेट मीडिया के सोशल मीडिया के अलावा इसका फ्यूचरनेट का खुद का स्टोर है जिनमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जो कि आप शॉपिंग कर सकते हैं अमेजन से, अलीबाबा से, ईबे से, इनका टाइप है ऑलरेडी और खुद का ब्रांड है इनका, तो जो ब्रांडेड चीज़ है वो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी फ्यूचरनेट की अर्निंग होती है, फ्यूचरनेट के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के द्वारा भी, ठीक है। और फ्यूचरनेट जो अर्निंग शेयर करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं कि फ्यूचरनेट चीज़ क्या है, इसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फ्यूचरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक, जो आपको पे करता है। जो भी आप फेसबुक की डे बाई डे एक्टिविटी करते हो, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, वही एक्टिविटी आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर फ्यूचरनेट अपनी जो जो अर्निंग का जो कुछ पार्ट है वो आपसे यहाँ से कुछ सेंट में यहाँ भी आपको मिलेगा, जबकि फेसबुक पे हमें कोई अर्निंग नहीं मिलती। और फ्यूचरनेट इंडिया के स्टोर हैं, शॉपिंग प्लेटफॉर्म, इसके जो गेम्स हैं मोस्ट पॉपुलर गेम्स हैं और इसके कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रॉडबेस्ट क्लाउड, ब्लॉग हैं, वीडियो मेल्स हैं, वीआईपी है फ्यूचरों का, बिजनेस का और बिजनेस का जो मॉडल है फ्यूचरनेट मैट्रिक्स का प्लान है नीचे जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से आप जुड़ करके लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं फ्यूचरनेट के द्वारा। फ्यूचर एड प्रो का प्लान है और फ्यूचर कॉइन का प्लान है, ठीक है। और सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म है, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचरनेट की अर्निंग किस किस के द्वारा होती है। उसके जो रिसोर्स हैं, सबसे बड़ा रिसोर्स इसका आ रहा है गेम्स का, फ्यूचर ड्रिलर, बिग फार्म्स, ये जो गेम है ये ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो इससे भी फ्यूचरनेट की जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है गेम्स के द्वारा भी। इसके खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये गेम्स भी आता है और जैसा कि आप कैंडी क्रश देख रहे हैं, कैंडी क्रश भी थर्ड पार्टी के द्वारा इनके द्वारा प्रमोट किया गया है। सेकेंड चीज़ बता रहा हूँ आपको, फ्यूचरनेट कैफे रेस्टोरेंट, फ्यूचरनेट कैफे एंड रेस्टोरेंट जो भी यूरोपियन कंट्री हैं उनमें इसके फ्यूचरनेट के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ से भी। इनके जो फ्यूचरनेट के एशिया में भी हैं और यूरोपियन कंट्री में भी हैं कैफ़े एंड बार है, वहाँ से भी फ्यूचरनेट की ऑफलाइन बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। हाउ वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स एंड मेक मनी, आपको इसमें क्या करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको ज्वाइन करना है और जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं जितने भी आपके एक्टिव मेम्बर होंगे और जो भी एक्टिविटी आप वहाँ पे करेंगे फ्यूचरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, 5,000 से ज़्यादा लोग आप ज्वाइन करवा सकते हैं और कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पे, तो उसमें आपको कुछ सेंट्स में भी अर्निंग होगी। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट,
दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च होता है, जैसा कि $1 बिलियन पर डे खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हर आदमी चाहता है कि उसका बिजनेस है, प्रोडक्ट्स है, उसके होटल्स है, उसकी जो मार्केटिंग के लिए वो जो चूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर चूज़ करते हैं, टीवी में बैनर्स देते हैं, न्यूज़पेपर में एक वीकली, हर जगह हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं मार्केटिंग के पर्पज़ से। तो दोस्तों, अगर आपके पास खुद का कोई बिजनेस है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, कुछ भी है, अगर आपको ट्रैफिक लेना है तो आप फ्यूचर नेट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, एड प्रो के पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, इनका जो एडवर्टाइजमेंट पैकेज है, तो वहाँ पर आपको व्यू मिलेंगे और आपका जो मार्केट है वो फैल जाएगा, और आपको जो ट्रैफिक है, इंटरनेट ट्रैफिक जो भी आप गैदर करना चाहते हैं, वो आपको सारा इंटरनेट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर और आपके फेवरेट चैरिटी के ऊपर जो भी आप प्रमोट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको मिलेगा। तो करना क्या है, आपको ज्वाइन करना है फ्यूचर एड प्रो का प्लान, और आपको 120% कैशबैक मिलेगा, 120% कैशबैक 120 डेज़ में। और सेकंड स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, एड पैक्स को बाई करना है, और एक दिन में जो भी एक्टिविटी आप करते हैं यहाँ सिर्फ आपका 3 से 5 मिनट लगेगा, 10 एड्स आपको वॉच करनी है, और उसके लिए आपको सबसे पहले एड प्रो का जो पैकेट बाई करना होगा। जैसे $50 का आप एड प्रो का पैकेज बाई करते हैं तो आपको 800 व्यू मिलेंगे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, और हर 15 मिनट में आपको अर्निंग मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। जैसा कि जितने ज़्यादा एड पैक आपके पास होंगे उतने ही ज़्यादा व्यू आप अपने ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के लिए जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए जनरेट कर सकते हैं। बदले में कंपनी आपको डेली 10 एड आपको देखना पड़ेगा, जैसे आप 10 एड कंप्लीट देख लेंगे उसके 15 मिनट के बाद तुरंत आपको जो कंपनी है कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिट है उसमें से शेयर करती है 96 टाइम्स इन डे, ठीक है। और एक घर से केवल एक ही अकाउंट यहाँ पे लगेगा, एक घर से मल्टीपल आईडी नहीं लगेंगी, और इसका जो बाकी का 5% है वो मैंडेटरी इसके मीडिया पॉइंट्स है, वहाँ पे जो इसके अर्निंग की जो इनकम है आपकी वो मीडिया पॉइंट्स के रूप में जाएगी, वहाँ से आप इनके प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन एफिलेटेड शॉपिंग। फ्यूचरनेट क्लब के जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसमें जैसे फ्लाइट्स है, होटल्स, एकोमोडेशन है, ठीक है, और होटल्स एंड एकोमोडेशन है, यहाँ पर आप ये भी ऑफलाइन अर्निंग का सबसे बड़ा जरिया है फ्यूचरनेट का, होटल्स एंड टिकट्स है, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी एडवर्टाइजमेंट का चीज़ है, जैसे जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने मोबाइल के माध्यम से मनी बना सकते हैं, मोबाइल में आपको लॉगिन करना है और 10 एड देखनी है एक दिन में 3 से 5 मिनट, जो भी एक्टिविटी आप सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हैं वही एक्टिविटी आप अगर यहाँ पे करेंगे तो आपको अर्निंग मिलेगी। तो जैसे कि हम बताते हैं कि फ्यूचरनेट मीडिया के जो एड्स हैं उसमें बताते हैं कि ऐड कैसे आते हैं, जैसे ये एक ऐड है वेट लॉस की, अगर आपके काम की नहीं है तो नेक्स्ट के जरिए रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई भी कंपनी अपना रेस्टोरेंट प्रमोट करना चाहते हैं कि आप उसके नियर बाई हैं तो वो रेस्टोरेंट आप जाकर के खाना खा सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये एडवर्टाइजमेंट है जो 10 एड है उसके बारे में बता रहा हूँ किस तरह से ऐड आती है। कोई भी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप के नियर बाई है तो आप ये जो ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट है वो मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टाइजमेंट दे रही है, आपके यूज़ का है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट कीजिए। ये रेस्टोरेंट है, जैसे यूरोपियन कंट्री में फेमस रेस्टोरेंट है, किचन है, वो भी सारी स्कीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी रेस्टोरेंट के अंदर, तो अगर आपके काम का है तो देखिए उसको 4 4 5 3 2 1, जैसे आपका YouTube चैनल में कोई भी ऐड होती है 4 5 3 2 1 स्किप ऐड, इस तरह इसी में भी है 4 5 3 कुछ सेकंड्स में ऐड चलेगी, उसके बाद वो स्किप हो जाएगी नेक्स्ट ऐड। टोटल आपको जो काम करना है वो 3 से 5 मिनट एडवर्टाइजमेंट देखनी है आपको, और किस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, आपको $50 के उसके ऊपर 800 व्यू मिलेंगे, जब तक आपके 800 व्यू उस पर जनरेट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका वो व्यू जनरेट होता रहेगा। जिस तरह से फ्यूचरनेट जो है वो पे कैसे करता है आपको, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके पास कितने ऐड पैक हैं, और हर 5 मिनट आपको प्रतिदिन ऐड पैक देखने होंगे, जितने ऐड पैक होंगे चाहे आपके पास कितने भी ऐड पैक हो, लेकिन आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट ही वहाँ पे ऐड देखना है। सबसे बड़ी चीज़ यह है दोस्तों, अलग अलग ऐड पैक के लिए अलग अलग यहाँ पे कुछ नहीं देखना, ठीक है। और 24/7 आप यहाँ से मनी जनरेट कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट बिजनेस को प्रमोट करके, और अपना पैसिव इनकम यहाँ पर खुद जनरेट करके। जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट जो भी देखते हो, जनरली हम मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, रेडियो स्टेशन पे सुनते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, और बैनर्स देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी काम हम वहाँ पे करते हैं डेली का, बस वही काम आपको सिर्फ यहाँ पे करना है सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो प्रतिदिन की एक्टिविटी दिखा रखी है, कुछ टाइम निकाल करके आप यहाँ पे अगर काम करते हैं तो आप यहाँ से पैसिव इनकम बना सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सिर्फ आपको 5 मिनट चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। जो अर्निंग का जो डिस्क्लेमर है, जो गाइडलाइन है गाइस, वो आप देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। आपके ऊपर ये फोर्स नहीं है कि आपको किसी को ज्वाइन करवाना है, तो इसके जो कुछ गाइडलाइन है वो आप पढ़ लीजिए। फ्यूचर एड प्रो की यह एक इन्वेस्टिंग प्रो प्लेटफॉर्म नहीं है, पहली बात तो यह है, यह एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं फ्यूचर नेट मीडिया के माध्यम से, वो आपको एक बार स्टडी कर लीजिए। और जो डिस्क्लेमर है उसके बारे में स्टडी करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अच्छी चल रही हैं, और अलेक्जा रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुका है, और 35 लाख लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर नेट क्लब का एक ब्रांड बनने जा रहा है। हर चीज़ में आपको फ्यूचर नेट मिलेगा, फ्यूचर नेट सोशल मीडिया, फ्यूचर नेट एड प्रो से आप जुड़ के अर्निंग कमा सकते हैं, फ्यूचर नेट मैट्रिक्स प्लान से भी आप जुड़ के अपनी अर्निंग कमा सकते हैं, और फ्यूचर नेट कॉइन से भी जुड़ कर के आप अपनी अर्निंग्स कमा सकते हैं। और फ्यूचर नेट फाउंडेशन है जो कि चैरिटी की तरह काम करता है, और फ्यूचर नेट स्पोर्ट्स है। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमारे कस्टमर का किसी का एक अकाउंट था, तो 30 दिन में उसने 1190 डॉलर अर्न किया, जो कि उसने 25 साल की जो मैरिड लाइफ है उसमें भी अर्न नहीं किया होगा। तो जिस तरह से ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, उस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी जो अर्निंग को मल्टीप्लाई और कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अगले 60 दिन में उसका अकाउंट हो गया, ये पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट ओनली, नॉट टीम। ठीक है, तो 2970 उसका 61 डेज में पोर्टफोलियो खुद का हो गया। ठीक है, अगर 60, और नेक्स्ट जो 90 दिन है, 90 दिन में उसका 5308 डॉलर उसने अर्न कर लिया। अब इसके बाद उसको बिलीव हो गया सिस्टम के ऊपर, तो यह तो उसका खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो ग्रोथ कर ही रहा है, साथ में जब उसने टीम क्रिएट किया, तो टीम क्रिएट करने के बाद जो भी कमीशन यहाँ पे मिलता है उसको मिला करके 8,863 डॉलर्स हो गया है उसका 120 दिन के अंदर। और फिर उसको समझ में आ गया, तो उसने टीम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया गाइज। 150 दिन में उसका जो पर्सनल पोर्टफोलियो और प्लस कमीशन पहुंच जाता है 14,819 150 दिन में, 150 डेज में। ठीक है, और फिर उसके बाद 180 दिन में उसका जो पोर्टफोलियो होता है 19861 हो जाता है, और इसके बाद उसकी जो टीम है, उसके जो लीडर्स हैं, वो काम करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और काम करने के स्टार्ट उसका जो 365 दिन का जो पोर्टफोलियो है 49964 हो जाता है एक साल में। तो दोस्तों इतनी इनकम एक साल में मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई नौकरी आपको देती होगी। ठीक है, जब आप सिस्टम में ज्वाइन करेंगे, इन होंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे काम करता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि फ्यूचर एड प्रो मैट्रिक्स जो भी प्लान है, जो अर्निंग शेयर कर रहा है, वो अर्निंग फ्यूचर नेट प्रो कहाँ से शेयर कर रहा है, तो यह क्वेश्चन कॉमन है सभी का। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर नेट मीडिया के जो अर्निंग के साधन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से फ्यूचर नेट मीडिया के जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इनके का पास काफ़ी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है गेम्स है, इसके गेम्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास के गेम्स हैं, खुद के भी गेम्स हैं, और इसके अदर जो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज है उसके गेम्स भी उन्होंने ले रखे हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। फिर उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है 5 to 6 इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ से भी इसका ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर इसके जो फ्यूचर नेट के प्रोडक्ट्स हैं, शॉप्स हैं, खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से भी फ्यूचर नेट एड प्रो का जो फ्यूचर नेट क्लब का जो है अर्निंग वहाँ से भी होता है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड नेटवर्क रेवेन्यू, जो इसका नेटवर्क रेवेन्यू है वहाँ से भी जितने भी ज्वाइनिंग्स होती हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, वहाँ से भी इसको जो इनकम है वो डेली इनके पास आती रहती है, स्टोर होती रहती है, और शेयर के माध्यम से कई जो इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म में अपनी रेवेन्यू शेयर करते हैं। सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इसका डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट में इसके वेबसाइट्स हैं, क्लाउड स्पेस है, VIP के जो प्लान्स हैं, ऑनलाइन मीडिया है वहाँ पे भी। उसके बाद आता है कार लीजिंग, कार लीजिंग यूरोपियन कंट्री में जिनका कार लीजिंग का जो प्रोग्राम है वहाँ से भी इसको काफ़ी रेवेन्यू शेयर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑफलाइन मीडिया के माध्यम से कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स हैं इसके यूरोपियन कंट्री में, एशिया में, चाइना में, वहाँ से भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि 80% रेवेन्यू यह अपने जो डिस्ट्रीब्यूटेड कस्टमर्स होते हैं सेल्स नेटवर्क्स में बढ़ता है, 20% सिर्फ कंपनी के पास रहता है, 80% वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी सिर्फ अपने पास 20% रखती है कैफ़े एंड रेस्टोरेंट से जो अर्निंग होती है उसका दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एफिलेटेड शॉपिंग कमीशन है, जो भी लोग शॉपिंग करते हैं उनसे जो कमीशन आता है वो भी इसके पास। इसके पास IT सप्लायर हैं, थर्ड पार्टी कस्टमर है, IT सप्लायर मतलब आपको पूरी IT सपोर्ट मिलेगी, जो भी थर्ड पार्टी इनसे प्रमोट करवाना चाहे वो उसके जो
प्रोग्रामर्स हैं वो करते हैं आईटी के माध्यम से, गेमिंग रेवेन्यू हैं। इसके बाद जो भी आप गेम खेलते हैं डाउनलोड करते हैं वहाँ से भी काफ़ी बड़ा अर्निंग यहाँ से जनरेट होता है। एफिलिएट कमीशन है वहाँ से भी इनका अर्निंग काफ़ी जनरेट होता है। करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं इनकी, करेंसी फिएट करेंसी बिटकॉइन इथेरियम लिटकॉइन डेस्कॉइन, इनको आपकी जो लोकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना, और इनके जो एक्सचेंजेस हैं इनकी जो करेंसी लॉन्च है 7 एक्सचेंज पे है अभी, 10 एक्सचेंज पे फ्यूचर कॉइन और आने वाला है, तो वहाँ से भी करेंसी एक्सचेंज से भी इनका काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। ट्रांजेक्शन फीस से भी इनके पास आता है पैसा काफ़ी मात्रा में, और बिटवीन एक्सचेंज जितने भी एक्सचेंज है वहाँ से बताए, और गूगल एडसेंस से भी इनका बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रहा है। और उसके बाद रिबेट्स हैं, प्रोसेसर एफिलेटेड कमीशन है, और इवेंट्स जो ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं 3 से 4 महीने में बड़ा इवेंट, वहाँ से भी काफ़ी अर्निंग आती है। तो दोस्तों ये साधन जो आपको दिखाए गए हैं ओरिजिनल चीज़ें हैं, यहाँ से ये अपनी अर्निंग शेयर करता है। तो दोस्तों आप फ्यूचर एड प्रो से ज्वाइन कीजिए और 15% आपको कमीशन के रूप में मिलेगा अगर आप टीम क्रिएट करते हैं तो। अगर आप टीम क्रिएट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्यूचर एड प्रो आपसे ये नहीं बोल रहा कि टीम क्रिएट कीजिए, आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं रेव शेयर के माध्यम से। आपकी जो अर्निंग है वो कंपाउंडिंग में होकर के आपका जितने ज़्यादा एड पैक्स आपके पास होंगे पर डे का इनकम उतना ही ज़्यादा आपके पास होगा दोस्तों। तो इस तरह से जो एनुअल फीस आप देख रहे हैं $30, $80, $130, $180 ये एनुअल फीस है, और इसके माध्यम से जो लेवल इनकम है 1 और 2 आगे 3, 4, 5 तो, और जो मिनिमम मैक्सिमम एड पैक्स है वो आप बाय कर सकते हैं उसके माध्यम से, जो आपकी साल में एक बार ये फीस लगेगी एड पैक्स के अलावा। तो आप ये जो एनुअल फीस है ये 6 महीने में एक बार भी कटवा सकते हैं या मंथली भी आप अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं, ठीक है। सो ये एडवर्टाइजमेंट का जो पैकेज है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है नाउएडेज, जेन्युइन प्लेटफार्म है दोस्तों, 2014 से चल रहा है, 2016 से फ्यूचर एड प्रो का जो मार्केट है उसने धूम मचा रखी है, हर जगह धूम मचा रखी है। और इनका जो विज़न है और इनके जो डे बाय डे के जो प्रोग्राम्स हैं, नई नई चीज़ें ये लेकर के आ रहे हैं, अपने जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ लेके आ रहे हैं, अर्निंग के प्लेटफॉर्म हर चीज़ में आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर एड प्रो फ्यूचर नेट क्लब मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से यह जो कंपाउंडिंग आप देख रहे हैं जिसमें 5 स्लैब बना रखे हैं और जिसकी फ़ीस है वो आपको ऑलरेडी बता दी गई है, साल में एक बार आप फीस दे करके इतने लेवल की अर्निंग ले सकते हैं। और जो भी एफिलिएट बिजनेस हैं जितने भी, जैसे एप्पल का, ईबे का, वॉलमार्ट, वर्जिन, टेस्को, अमेजन, ये कंपनी है जो भी ऑफर आपको करती हैं, जो भी बोनस इंट्रोड्यूसिंग न्यू बिजनेस के लिए, तो कंपनी जितनी भी पॉपुलर कंपनियां हैं ये सारी कंपनियां इसके साथ फ्यूचर नेट के साथ कनेक्टेड हैं। और इसके जो पेमेंट के ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, फ्यूचर नेट पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर, बिटकॉइन, डेस्कॉइन, इथेरियम, लिथेरियम, और इसके द्वारा डॉट पे, नेटलर, परफेक्ट मनी, टू पे टू फॉर यू, और फ्यूचर नेट का जो लास्ट में फ्यूचर नेट वाउचर्स के द्वारा भी आप अपनी आईडी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, किसी से कोड लेकर उसको आप कैश दे करके आप अपनी आईडी लगा सकते हैं। ये इसके पेमेंट ऑप्शंस हैं जो एक्सेप्टेड है यहाँ पे, और जो विड्रावल मेथड हैं आप वहाँ पे अभी एट प्रेजेंट बिटकॉइन में विड्रावल चल रहा है और आने वाले टाइम में ये फ्यूचर कॉइन में विड्रावल करेंगे, और उसका जो प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा कि विड्रावल कैसे होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फ्यूचर नेट क्लब से जुड़िए, आप आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, काफ़ी लोग इसमें मल्टी मिलियनर्स बन चुके हैं, और आने वाले टाइम पे आप भी इसके साथ जुड़ के अपना अर्निंग और बढ़ा